तो आप देख सकते हैं दोस्तों, ये इससे पहले प्लीज एक बार करीब सा जूम करके बता देता हूँ पूरा, काफी इसे बिल्कुल इसके अनुकूल वातावरण में लीज़ किया। आप देख सकते हैं पूरा आसपास जंगल है, कोई दिक्कत नहीं। सभी का स्वागत करते हैं आज के रेसिपी रोसी गार्डन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों अभी लगभग शाम के लगभग 8:30 बजे हैं रात में, और डब्बू से लगभग 35 से 40 किलोमीटर की दूरी पर होगा। और वहीं पर हम चल रहे हैं, अभी देखते हैं, मेन हाईवे में खड़ा हूँ मैं डब्बू के जस्ट आगे, मेरे साथ राहुल वर्मा है। वहाँ चल के देखिए क्या स्थिति है, वीडियो में अच्छा लगा जरूरत नहीं होगी, लाइक कर दिए शेयर भी कर दिएगा। आइए दोस्तों देखिए कौन सा पहुँच गए यार, चले वो लोग मेरे यहाँ पर अच्छे रहते हैं। दोस्तों अभी देख सकते हैं कि हम मुड़ी बाटेडा रोड पर चल रहे हैं, और रोड पर कुछ भी नहीं है, यहाँ पर सिर्फ खाली रोड है, और हम दो जन अकेले राहुल और मैं रेस्क्यू के लिए आगे जा रहे हैं। अभी बिल्कुल गांव के अभी अंदर पहुँचने ही वाले हैं, देख सकते हैं बिल्कुल सुनसान रास्ता है। रात के लगभग 9 बज रहे हैं, पर ये ग्रामीण इलाका है, इस कारण से यहाँ पर ज़्यादा इतनी मूवमेंट नहीं रहती है। तो आप वीडियो में हमारे साथ। तो दोस्तों फाइनली यहाँ पर पहुँच गए, लगभग 1 घंटा और 10 मिनट लगा था लेकर। तो अब दिखाते हैं आपको जानवर कहाँ बैठा हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि ये एक इंडियन रॉक पाइथन है, ये झाड़ियों के अंदर बैठा होगा, थोड़ा थोड़ा दिख रहा होगा, थोड़ा करीब से बता दे राहुल, रोज पकड़ना। ये देखिए आप इनको करीब से देखिए, अब इसे बाहर निकालेंगे और सुरक्षित जंगल में रिलीज़ करेंगे। उससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए। देख सकते हैं रोड पे कुछ भी नहीं है, अंधेरा दोनों तरफ, और ये लोग काम कर रहे हैं। आपको उन लोगों से भी मिलूंगा जिन लोगों ने हमें कॉल किया था। ऐसा नहीं कि लोग आपको लग रहा होगा कि सड़क वड़क पर कुछ भी यहीं पर, बिल्कुल नहीं, एक प्रॉपर जगह है, ये लोग यहाँ रहते हैं, ईंटों का भट्टा है। रात को काफ़ी ज़्यादा अंधेरा हो चुका है, इसलिए कुछ दिख नहीं रहा। ये देखिए आप बिल्कुल करीब से आप देख सकते हैं कि अजगर ही है। लोग अक्सर यहाँ पर, इन लोगों का मानना बिल्कुल सही था, अजगर ही, क्योंकि मुझे लगा नहीं था कि अजगर को, दोस्तों की ड्रेसल लाइफ का सर्दी का विंटर्स का टाइम है, ड्रेसल लाइफ ज़्यादा निकलते हैं। ये देखिए आप बिल्कुल झाड़ियों के पीछे बैठा हुआ है। तो अब हम इसका रेस्क्यू करने वाले, तो आप वीडियो हमारे साथ बने रहें। इससे पहले प्लीज़ एक बार करीब सा जूम करके बता देता हूँ पूरा, और काफ़ी लेट हो चुका है, लगभग 10 बजी है रात की। ये इसका हेड है, आप देख सकते हैं यहाँ पर कोट भी छुपा हुआ है। तो अब इसका रेस्क्यू काटे हटा रहे हैं, आप देख सकते हैं। आप पूरा इंडियन रॉक पाइथन देख सकते हैं, बिल्कुल अब दिखने लगा है रात के। हाँ हटा, राहुल जी काटे हटा रहे हैं, पूरी सावधानी पूर्वक करने की कोशिश कर रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा ठंड भी है, विंटर भी है दोस्तों, बिल्कुल खुला वातावरण है यहाँ पर, हवा भी बहुत तेज़ चल रही है। कि आप इस टेक्निक को देखिए बिल्कुल ना करें, तो ये काम एक्सपर्ट के लिए आप करेंगे, ताकि खतरा हो सकता है। ये देखिए पूरा करीब से, एकदम पकड़ा दे वैसे बता। ये देखिए बिल्कुल करीब से, ये इसका हेड है। ये देखिए, तो अब इसे कट्टे में डालते हैं और सुरक्षित जंगल में रिलीज करूंगा। तो आप वीडियो में रहे, और यहाँ के किन लोगों से बात करूंगा, जिन लोगों ने मैं आधी रात को कॉल किया, क्या हुआ था, कैसे हुआ था। लो भाई साहब आओ, इसे कट्टे में डालते हैं। फाइनली इसका रेस्क्यू कर लिया है दोस्तों, पूरी तरह से, काफ़ी दूर आना पड़ा इसे रेस्क्यू करने के लिए। तो अभी उन लोगों से मिलेंगे जिन लोगों ने हमें कॉल किया था, तो आप वीडियो में रहे दोस्तों। उन लोगों से मिला जिन लोगों ने हमें कॉल किया था। किसने कॉल किया था भाई साहब? हाँ मैंने किया था भाई साहब ने कॉल किया था हमें, ये उदयपुर से कितना किलोमीटर भैया? 35 किलोमीटर। 35 से 40 किलोमीटर, 35 उदयपुर से, हमारे घर से 40 किलोमीटर फिक्स। और क्या टाइम हो रहा है रात के? लगभग 9 बजे।
दस बज रही है। आपने 9 बजे हमें कॉल किया था, लगभग 9:30 तो आप टाइम देख लो दोस्तों की, लगभग हमें आने में 1.5 घंटा लग गया। यहाँ पर काफी दूर है, उदयपुर से भी ट्रैफिक काफी होता है। आपका शुभ नाम भैया? अशोक प्रजापत। इन्होंने हमें कॉल किया था, तो अब आपको मिलेंगे इस वीडियो में। यहाँ की एक बार दिखा दी क्या स्थिति थी, स्थिति अभी बता दो क्या आप लोग क्या खाना ना तो यहाँ पे आप लोगों का घर है क्या? नहीं। अच्छा, भट्टा है, ये काम करते हैं, तो यहाँ पर दहशत का माहौल था थोड़ा, तो इसलिए जानों को पकड़ना जरूरी था। तो आप मिलेंगे इस वीडियो में दोस्तों। फाइनली जिसको हमने रेस्क्यू किया था, इंडियन रॉक पाइथन जिसे लोग आम भाषा मजगर कहते हैं, उसे हम आपके सामने यहाँ पर रिलीज कर रहे हैं। पूरा आप देख सकते हैं अभी की लंबाई, और अब ये जंगल की ओर जा रहा है। आप देख, पूरा आप करीब से देख सकते हैं इसे, इसे बिल्कुल इसके अनुकूल वातावरण में रिलीज किया। आप देख सकते हैं पूरा आसपास जंगल है, कोई दिक्कत नहीं। तो आप देख सकते हैं फाइनली वो नीचे जा चुका है, बिल्कुल नीचे खाई की तरफ, थोड़ा सा ऐसी जगह रिलीज किया हमने उसे, बिल्कुल एक नेचुरल हैबिटेट में। तो अभी रात के लगभग 11 बज रहे हैं, मैं आपको टाइम बताता हूँ। खाई में उतर चुका है, क्या देखते हैं रात के लगभग 2:53 हो चुके। तो हम भी घर के चलते हैं, और काफ़ी सर्दी है, काफ़ी ठंड का मौसम है। तो यही वीडियो समाप्त करते हैं, मिलते हैं और किसी वीडियो में कुछ होता था। आज के लिए जय हिंद, जय भारत।